रमेश, मैं चित्रंजन राव, एक्स आर्मी। मैं आर्मी से रिटायर होके आया हूँ और आने के बाद भी मैं समाज के लिए जितना हो सके, जितना बन पड़े, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि समाज के बीच में जाएं और समाज के लोगों के बीच में इस प्रकार की विनती भजन या समाज के जो रीति रिवाज, इनको हम जानकारी करने के लिए और जानकारी के साथ मेरे से जितना हो सके मैं बताने का प्रयास करूँगा। और मैं सीखता रहूँगा, कंटिन्यू सीखता रहूँगा और सीखने के साथ साथ मैं और लोगों को भी इस प्रकार से प्रेरित करेंगे। तो मैं आज ऐसी जगह से बोल रहा हूँ जो सरना स्थान है, बहुत सुंदर सरना स्थान है। ये सरना स्थान है मिसाल गाँव का। इस मिसाल गाँव में देखिए बहुत कम पुरुष लोगों का आवागमन है। एक पहान जी है, यही एक पहान जी आते हुए हैं और यही एक अगुवाई कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी आते नहीं। और हमारे मातृ शक्ति भी देखिए कितना बुजुर्ग लोग होते हैं, ये बुजुर्ग लोग आके और कितना अच्छा से इस धर्म को, रीति रिवाज को, हमारे संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे माताओं को मैं तो बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ऐसे माताओं का लंबी उम्र हो और भगवान इनके ऊपर में हमेशा बना रहे, इनके विचार में बना रहे, इनकी मन में बना रहे और इसका परिवार में हंसता खेलता और उमंगता से भरता भरा रहे। और मैं चाहूँगा कि इस स्थान से मैं कहना चाहूँगा कि जरूर आप पुरुष हैं, आप आदमी लोग जो पुरुष वर्ग हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि जरूर धार्मिक स्थान पर आए, तभी हमारे समाज में एक अच्छा और बेहतरीन काम कर सकते हैं। बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि हमारे माताएं तो हर जगह अगुवाई करती हैं, लेकिन पुरुषों में पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं आते हैं। ऐसे धार्मिक स्थान में जरूर आए, पूरे दिन काम करते रहें, पूरे 6 दिन काम करें, लेकिन सप्ताह में 1 दिन बिना संकोच और बिना काम कुमसार छोड़ के जरूर धार्मिक स्थान में आए, तभी हमारे समाज के अंदर में एक बड़ा और हर एक काम का जो समस्या है, दिक्कतें हैं, वो सब कुछ ठीक हो सकता है, अन्यथा ठीक होना मुश्किल है। तो देखिए अभी इस में किस प्रकार से ये माताएं जो है बुजुर्ग हैं, सारे किस प्रकार से भजन गाती है, उसको मैं जरा दिखाना चाहता हूँ। Yeah.
भगवान ने जन्म दिया है, सारा संसार का ये सृष्टि करता हमें भी सृष्टि किया है, हमें भी जन्म दिया है और जन्म के साथ साथ में हमें कर्म दिया है। तो हम जब कोई भी काम करने जा रहे हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, तो हमको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि धर्मेश के याद करते हुए, धर्म का याद करते हुए, धर्म को रखते हुए जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंदर में पवित्रता होती है और पवित्रता होने के साथ में हमारे आपसी प्रेम मोहब्बत और आपस में एक प्रकार की अच्छा गुण का समावेश होता है अंदर से। ये भजन के द्वारा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाते हुए ये माताओं को सारे लोग प्रणाम करें। मैं इन मातृ शक्ति को, इन माताओं को, ये बुजुर्गों को जय धर्मेश।